जो बिल नहीं मांगते उससे आप ऐसे करते हो, आप विश्वास करेंगे मेरे ऊपर तो बहुत अच्छा होगा। आपके ऊपर सर, आपके ऊपर विश्वास कैसे करें? मैं सामने धांधली देख रहा हूँ, आप बोल रहे हो आपके ऊपर। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ एनजीपी स्टेशन में और एक और ब्लॉक की शुरुआत कर रहा हूँ एनजीपी से मुंबई, जो कि है 15946 डिब्रूगढ़ एलटीटी एक्सप्रेस में। इस गाड़ी का राइट टाइम यहाँ पे है 1:25 को ये गाड़ी एनजीपी के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। टॉयलेट में आपको वेस्टर्न टॉयलेट देखने को मिल जाएगा एक साइड में, और एक साइड में इंडियन टॉयलेट देखने को मिल जाएगा, जिसमें ये आपको परफ्यूम भी मिलेगा अच्छी खासी खुशबू के लिए, और यहाँ पे सोप डिस्पेंसर आपको मिलेगा, एक वॉश मशीन जिसमें पानी भी है, यहाँ का जो फ्लश है जो बहुत ही इंस्टेंट फ्लश है जैसे आपने प्रेस किया और यहाँ पे होने लग गया, तो ये बहुत ही अच्छा खासा ठीक ठाक लगा, लेकिन क्लेनलीनेस बहुत ही बेकार देख सकते हो आप। गाड़ी अब पहुंच गई है बरौनी के आगे, और गाड़ी अब आधा घंटा लेट चल रही है बट बहुत ही सही चल रही है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सेकंड एसी में, और क्लेनलीनेस बहुत ही बेकार है इस ट्रेन का। नीचे रहेगा सर, हो जो उधर। दोस्तों, हमारी ट्रेन अब पहुंचने वाली है मोकामेह जंक्शन, और ट्रेन एकदम राइट टाइम चल रही है, कभी लेट नहीं है, जरा से भी लेट नहीं। Thank you.
चावल है वो भी ठीक ठाक थी और दाल अच्छी थी और सब्जी भी सही थी और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मटर पनीर बनी हुई है और पनीर इन्होंने सादा ही पनीर रख दिया, पनीर को कोई फ्राई वगैरह नहीं किया। तो रोटियाँ हैं और रोटियों के टेस्ट भी अच्छे हैं, खाना डिसेंट है और आप खा सकते हो। When you dress up for the night and I don't say a word, it's not that I don't notice, but still you should have heard. Complacent in the way I see you every day. Well, I don't wanna throw this away. Well, I hope that you know that I hear it. Don't let it show that I want you. There's not a way. दोस्तों हमारी गाड़ी आ पहुंची है बक्सर। 18 स्टेशन है बिहार का। जो इस गाड़ी की स्टॉपेज है बहुत ज़्यादा स्टॉपेज है, गाड़ी लगभग 1 घंटा लेट चल रही है और हर जगह रुकती हुई ये गाड़ी आती रहती है। दोस्तों हमारी ट्रेन आ पहुंची है दिलदार नगर जंक्शन, 1/2 घंटा लेट, लेकिन ट्रेन है कि वही 18 स्टॉपेज है बिहार में, जिसके वजह से ट्रेन बहुत रुक रुक के चलती है, यही एक दिक्कत है। बाकी ट्रेन राइट टाइम ही चल रही है, बस 1/2 घंटा लेट, ऐसा कभी 20 मिनट लेट ऐसा चल रही है। दोस्तों हमारी गाड़ी अब पहुंच गई है मुगलसराय जंक्शन, मतलब जो अभी का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और यहाँ पे गाड़ी एकदम राइट टाइम चल रही है, गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको जो दिक्कत देने वाली है वो प्रॉब्लम है, इस ट्रेन का स्टॉपेज बहुत ज़्यादा है। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई प्रयागराज चिउकी और ट्रेन अभी भी राइट टाइम ही चल रही है। अभी बज रही है घड़ी में रात को 9:07, तो अभी तो मैं सो जाऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, ट्रेन अब खांडवा पहुंच गई है जो कि एमपी में है, यूपी पार हो गई है और अभी एमपी घुस चुकी है, और ट्रेन अभी 2 घंटा लेट हो गई है। पहले तो ये ट्रेन बहुत अच्छी चल रही थी, अभी ट्रेन 2 घंटा लेट हो गई है। और जहां तक कि मैं सफ़र कर रहा हूँ सेकंड एसी में, तो सेकंड एसी में वैसी खास कोई दिक्कत है नहीं, सारी चीज़ें सही है, बढ़िया है, और पेंट्री करके सर्विसेज भी बढ़िया है और सारी चीज़ें बढ़िया है। बाकी वही दिक्कत है, ट्रेन में स्टॉपेज बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ट्रेन अब महाराष्ट्र के भुसावल में पहुंच गई है। ये महाराष्ट्र का पहला स्टेशन है जो स्टॉपेज है इसका। ट्रेन अभी भी 2 घंटा लेट चल रही है।
आप ही के साथ मैंने ट्रेन पे चढ़ा ना। हाँ, कितना टाइम खाने का हुआ? एक दोपहर का, एक रात का, एक दोपहर का? तीन टाइम ही हुआ ना, तो तीन टाइम में मैंने चार खाना कैसे लिया? नहीं, तीन एक पैसा जोड़ रहे हैं। तीन ही ना, वहाँ पे वेज मील दो कैसे लिखा हुआ है? कितना पैसा हुआ आप ही बताएं। नहीं, वहाँ पे वेज मील दो कैसे लिखा हुआ है आप ये बताओ। आप ही बोलिए, छोड़िए पैसे की बात नहीं, आप क्वांटिटी के हिसाब से देखो ना, आप उनसे ज्यादा पैसा ले रहे हो। फिर देखो आप यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, वेज मील लिखा है एक, अगर हो तो 152 ये 76 एक का है ना, हुआ, तो 76 प्लस 40 प्लस 50 और नीचे फिश मील कितना? 76 के लिए 176 नहीं, सिर्फ 76 हाँ, प्लस 40 प्लस 40 हाँ, प्लस 50 और नीचे फिश मील का 150 हाँ, इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। अच्छा ठीक, 150 हाँ, ये हुआ हाँ, टोटल 300 हुआ ना। हाँ, ये 300 हो गया। हाँ, 300 हुआ ना टोटल, 300 ही हो ना, ज्यादा हो गया। हाँ, 300 ही हुआ, कैसे 400? देखिए 76 हाँ, और 40 कितना होता है ये देखिए, कितना हुआ? हाँ, 116 हो गया। और इधर एक सेकंड, इसका 50 एक करी का, एक करी का 50 चलिए। हाँ, 116 और 50 कितना होता है? 166 और 150 फिश का 156 है। कितना हुआ? कितना हुआ? 6 6 11 मुझे 11 हाँ, 315 है हाँ, 315 जो बिल नहीं मांगते उससे आप ऐसे करते हो? आप विश्वास करेंगे मेरे ऊपर तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए आपके ऊपर। सर, आपके ऊपर विश्वास कैसे करें? मैं सामने धांधली देख रहा हूँ, आप बोल रहे हो आपके ऊपर विश्वास करें? 40 रुपया होता है भेज पनीर का, सब्जी का। वो तो आपने जोड़ा ना, फिर भी आपने दो भेज कर दिया आपका पैसा मिलाने के लिए, वो तो ठीक नहीं है ना सर। लोग दे देते इसका मतलब ये नहीं तो आप लोगों को ठगी का रो। एक नॉर्मल खाली सब्जी होता है 80 रुपये खाना, ठीक है? नहीं नहीं, बिल के हिसाब से नहीं होता ना, वो आपके हिसाब से होता है। हम नहीं, हम आपको अभी अपने पैसे मिलाने के चक्कर में दो वेज का बिल बना के ले आए, मैंने खाया एक वेज, इसका मतलब एक्चुअल जो रेट है वो कम है, आप लोगों को ज्यादा बोलते हो। गाइस, देखा आप लोगों ने किस तरीके से ये लोग पेंट्री कार में धांधलीबाजी करते हैं? 100 रुपए की चीज 200 रुपए में बेचते हैं, लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, कुछ भी। और जब से आप बिल मांगो तो बिल में एक क्वांटिटी की जगह दो क्वांटिटी करके लेके आते हैं। तो अगली बार से जब भी आप पेंट्री कार से कुछ भी खरीदो, लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, बिल जरूर मांगे। अगर वो बिल देने से मना करे, आप पेमेंट ना करो, क्योंकि उनके यूनिफॉर्म के पीछे लिखा रहता है नो बिल नो पे। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मनमाड़ जंक्शन, जो महाराष्ट्र में आप यहाँ पे नॉइजेस सुन ही पा रहे हो, कितना ज्यादा चिल्लम चिल्ली मच रही है और गाड़ी अभी 2 घंटा लेट चल रही है। दोस्तों, हमारी ट्रेन पहुंच गई है नासिक रोड और अभी भी ट्रेन 2 घंटा लेट है।
गाइस हम पहुंच गए थाने और गाड़ी 1.5 घंटा लेट पहुंची। आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे इसी तरीके की और भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।